तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे कबड्डी ड्रीम इन्फॉर्मेशन चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के टीम स्कॉट के बारे में, जहां पीकेएल सीजन 9 में देखने वाले हैं ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिनको हरियाणा की टीम अपनी टीम से रिलीज करने वाली है, और कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको इस बार अपनी टीम में रिटर्न करने वाली है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको रिटर्न करने वाली है और रिलीज करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट रेडर की, मीतू हैं जो कि बहुत अच्छे रेडर हैं। इन्होंने 16 मैच खेले थे जिसमें से टोटल रेड 192 की थी, इनका रेड पॉइंट 75 था। वहीं सुपर 10 की बात की जाए तो 3 सुपर 10 लगाए थे, सुपर रेड इन्होंने 1 सुपर रेड किया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस है पीके लेट में। मतलब इनका पहला ही सीजन था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे सपोर्ट रेडर के तौर पर। तो इस बार इनको रिटर्न करना चाहेगी हरियाणा की टीम। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करते हैं तो होंगे विनय, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए थे पीके लेट में। 15 मैच खेले थे, टोटल रेड 96 की थी, जिसमें से टोटल पॉइंट इनका था 51, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस बार इनको रिलीज करने वाली है हरियाणा की टीम। उसके बाद अगले प्लेयर की अगर बात करते हैं तो होंगे आशीष, जो कि अच्छे रेडर हैं लेकिन ऑलराउंडर का काम किए थे पीके लेट में। इन्होंने 15 मैच खेले थे जिसमें से 102 रेड की थी, टोटल 63 पॉइंट थे। वहीं सुपर 10 इन्होंने 2 लगाया था, सुपर रेड की बात की जाए तो 4 सुपर रेड लगाया था। वहीं टैकल पॉइंट पर नज़र डाले तो 29 टैकल किए थे, जिसमें से 16 टैकल सक्सेसफुल थे। वहीं पर सुपर टैकल इन्होंने 1 किया था, जो कि अच्छा है, तो इनको रिटर्न करने वाली है। उसके बाद अगले प्लेयर की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे सुरेंद्र नाडा, जो कि पीके लेट में 21 मैच खेले थे, टोटल टैकल 107 की थी, जिसमें से 45 टैकल इनके सक्सेसफुल थे। वहीं पर हाई फाई इन्होंने 2 लिए थे, सुपर टैकल की बात की जाए तो 4 सुपर टैकल लगाए थे, जो कि अच्छा थोड़ा परफॉर्मेंस है। तो हो सकता है इनको रिलीज कर सकती है या रिटर्न कर सकती है। उसके बाद अगले प्लेयर की नज़र डालें तो होंगे रोहित गुलिया, 15 मैच खेले थे, टोटल रेड 113 की थी, पॉइंट इनके 67 थे। वहीं पर सुपर रेड इन्होंने 2 लगाए थे, और सुपर 10 की बात की जाए तो 1 सुपर 10 लगाया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा है लेकिन सपोर्ट रेडर के तौर पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, तो इनको रिलीज कर सकती है इस बार। उसके बाद अगले प्लेयर पर नज़र डालते हैं तो होंगे विकास कंडोला, जो कि हरियाणा स्टीलर के कैप्टन हैं। इन्होंने 22 मैच खेले थे, टोटल रेड 336 की थी, जिसमें से टोटल रेड इनके पॉइंट थे 176। वहीं पर सुपर रेड इन्होंने 4 सुपर रेड लगाया था, और सुपर 10 की बात की जाए तो 8 सुपर 10 लगाया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इनको रिटर्न करने वाली है हरियाणा स्टीलर की टीम। उसके बाद अगले प्लेयर पर अगर नज़र डालते हैं तो होंगे रवि, जो कि डिफेंडर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा किया था लेकिन इस बार रिलीज कर सकती है इनको। 22 मैच खेले थे, टोटल टैकल 73 किए थे, जिसमें से पॉइंट 24 था। वहीं पर सुपर टैकल की भी बात की जाए तो 3 सुपर टैकल लगाए थे, तो इस बार इनको रिलीज करने वाली है हरियाणा की टीम। मिनिमम 6 प्लेयर को ले सकती है तो इनको रिलीज कर सकती है। उसके बाद अगले प्लेयर की नज़र बात करें तो होंगे जयदीप, जो कि इनका पहला ही सीजन था, बहुत अच्छे डिफेंडर हैं आठ पीके लेट में। इन्होंने 22 मैच खेले थे, टोटल टैकल 120 की थी, जिसमें से 65 टैकल इनके सक्सेसफुल थे। वहीं पर सुपर टैकल की बात की जाए तो 5 सुपर टैकल लगाए थे। वहीं हाई फाई की बात की जाए तो 5 हाई फाई लगाए थे, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो इनको रिटर्न करने वाली होगी। हालांकि अगर प्लेयर चाहेंगे तो हो सकते हैं ये रिटर्न, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो होंगे मोहित, जो कि इन दोनों की जोड़ी है। तो 22 मैच खेले थे, टोटल टैकल 86 की थी, जिसमें से टैकल पॉइंट इनके 42 थे। वहीं हाई फाइव की बात की जाए तो दो हाई फाई लगाए थे। वहीं सुपर टैकल इन्होंने 3 किया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इनको भी रिटर्न कर सकती है हरियाणा की टीम।